भारत का संविधान भाग 12, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 301, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 301, इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम अबाध होगा। अनुच्छेद 302, व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 302, संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा जो लोकहित में अपेक्षित हो। अनुच्छेद 303, व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 303(1), अनुच्छेद 302 में किसी बात के होते हुए भी सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर संसद को या राज्य के विधानमंडल को कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कोई विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है। दो खंड एक, दो खंड एक की बात कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में माल की कमी से उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है। अनुच्छेद 304, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। अनुच्छेद 304, अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 303 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा क अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से आयात किसी किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है किंतु इस प्रकार की उससे इस तरह आयात किए गए माल और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित माल के बीच कोई विभेद न हो या ख उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्ति युक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा जो लोकहित में अपेक्षित हो परंतु खंड ख के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना किसी राज्य के विधानमंडल में पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 305, विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंधन करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 305, वहां तक के सिवाय जहां तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दे। अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद 303 की कोई बात किसी विद्यमान विधि के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और अनुच्छेद 301 की कोई बात संविधान
चौथा संशोधन अधिनियम 1955 के प्रारंभ से पहले बनाई गई किसी विधि के परिवर्तन पर वहां तक कोई प्रभाव नहीं डालेगी जहां तक वह विधि किसी ऐसे विषय से संबंधित है जहां अनुच्छेद 19 के खंड 6 के उपखंड 2 में निर्दिष्ट है या वह विधि ऐसे किसी विषय के संबंध में जो अनुच्छेद 19 के खंड 6 के उपखंड 2 में निर्दिष्ट है, विधि बनाने से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल को नहीं रोकेगी। अनुच्छेद 306 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधनों के अधिरोपण की शक्ति। संविधान सातवां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 की अनुसूची द्वारा निरसित। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। अनुच्छेद 307 संसद विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जो वह अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303 और अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों के को कार्यान्वित करने के लिए समुचित समझे और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और ऐसे कर्तव्य सौंप सकेगी जो वह आवश्यक समझे।